अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो मेरे दोस्तों। वेलकम बैक विद माय करियर मोड इन क्रिकेट 24। बिग बैश लीग हमारी चल रही है, साथ साथ हमारी भाई पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है इस चैनल के ऊपर। फटाफट से जाकर वीडियोस देखो, इससे पिछली वीडियो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच के डे 2 की हाइलाइट्स की थी। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा। और गाइस साथ साथ हम चला रहे हैं अपना करियर मोड अपने प्लेयर का। बिग बैश लीग में आज बड़ा मैच है अगेंस्ट सिडनी थंडर्स, और इस वक्त पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन गाइस ये है कि सिडनी थंडर्स भाई 3 मैच खेली है, 3 जीती हुई है। ब्रिस्बेन हीट जो हमारी टीम है वो चौथे नंबर पे है, सिडनी थंडर्स ऑन टॉप लीडिंग द टेबल। भाई हम 3 में से 2 जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट की बुनियाद पे हम भाई 0.27 के साथ हैं। पर्थ और सिडनी सिक्सर्स हमसे आगे है, तो थंडर्स के साथ बहुत थंडर बोल्ट किस्म का मैच होने वाला है गाइस। मिलता हूं तुम सबको स्टेडियम के अंदर। बाय द वे ये हमारा होम गेम है और हम गैबा में खेल रहे हैं अपने होम में। हियर वी आर जी एट गैबा, ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस कहा जाता है इसको। यहाँ ऑस्ट्रेलिया काफी कम मैचेस हारा है, बहुत ही कम टीम्स है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे हराया, वो भी टेस्ट मैच में। एक हमारे नेबर हैं इंडियंस। क्राउड फुल है आज गैबा के अंदर। ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी थंडर्स के लाइन एलेक्स सेल्स है भाई, उसके अलावा संगा है, रॉस, क्रिस ग्रीन है, जमान खान खेल है उधर से, तनवीर संगा, गुरिंदर संघू भी है कोई वहां पे। ओके, तो आई थिंक बॉलिंग इनकी अच्छी है। मुझे लग रहा था कि शायद उस्मान ख्वाजा इधर होता, लेकिन वो नहीं है भाई। पिच भाई हार्ड फास्ट, टिपिकल ऑस्ट्रेलियन ट्रैक है। यहाँ पे बाउंस मिलेगा, पेस मिलेगी। आज बल्ला हम उछाल रहे हैं क्योंकि हमारा होम है भाई। सिडनी ने कॉल किए रूफ और उम्मीद है आएगा जी। फ्लैट आ गया है। वी हैव वन द टॉस एंड वी आर गोइंग फॉर अ बॉल फर्स्ट ऑन दिस ट्रैक, हार्ड ट्रैक पे बॉलिंग करेंगे पहले। पेस दिखाएंगे तुम लोगों को कैसी है शुएब अख्तर जूनियर की, उसके बाद बैटिंग करेंगे, चेस करेंगे और उम्मीद है आज का मैच जीतेंगे क्योंकि बिग बैश लीग में भाई बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन मिल रहा है। बाय द वे अपनी टीम में आज मैंने एक चेंज कर ली है क्योंकि कॉलिन मनरो को मैंने निकाला है बाहर। बेचारे की सिर्फ 20 की रेटिंग थी भाई। गेम में रेटिंग का बड़ा इशू आ रहा है जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता जा रहा है। 2027-28 का सीजन चल रहा है तो कुछ अच्छे प्लेयर जिनके नाम हम जानते थे भाई वो बेचारे रेटिंग में बहुत नीचे गिरते जा रहे हैं। उसको निकाला है मैंने, मैट एरेंशो मेरे साथ ओपन करेगा और एक और प्लेयर मैंने डाला उसको मुझे नाम नहीं आ रहा क्या नाम है। ऐसी बस देखा 77 रेटिंग वाला मैंने उठा के मिडल ऑर्डर में खिला दिया उसको क्योंकि मुझे उसका बिल्कुल भी नहीं पता भाई। शुरली पटाखे चल पड़े हैं और यहाँ पे फर्स्ट बॉल करने के लिए आपका भाई तैयार है विद कोका बोर नया नया बॉल और ब्यूटीफुल गैबा, ब्यूटीफुल गैबा यार। हियर वी गो, फर्स्ट बॉल ऑफ द गेम भाई, स्टीमिंग इन तेज, फुल स्ट्रेट आगे करूंगा ये फुल डिलीवरी, ब्रिलियंटली बॉल्ड 154 किलोमीटर पर आवर पे की है भाई, बहुत लेवल बॉल। अच्छा इस बिग बैश में मेरा तो स्टॉक बॉल बन गया, बल्कि वैसे ही मेरा स्टॉक बॉल बन गया है फुल स्ट्रेट और इन स्विंगर यार, लेकिन अब मैं गुड लेंथ कर रहा हूँ। ओके, वीक रिलीज हुई है थोड़ी सी यहाँ पे 140 किलोमीटर पर आवर। ओके नाइस, एलेक्स हेल्स ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं, गाइक्स हैं कोई बंदे भाई ऑन स्ट्राइक इस वक्त ये हैं और हम इसको ओ लेफ्टी है ये, मुझे लगा राइट ही है भाई। बॉल लेकिन स्विंग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में स्विंग दोस्तों कम ही देखने को मिलता है, यहाँ पे बाउंस पेस मिलती है ज़्यादा। कटर्स आप कर सकते हो इन पिचेस पे, लेकिन नया बॉल है तो हल्का फुल्का स्विंग तो बनता है ना, एक दो ओवर तक तो स्विंग होना चाहिए बॉल। और ट्राई करते हैं एलेक्स हेल को आउट स्विंगर निकाल के, ये गुड बॉल बॉय। 155 किलोमीटर पेस अप है आज। बाय द वे इस गेम से पहले मैंने एक जिम सेशन किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, जस्ट मैंने जाके ज़रा डंबल शंबल उठाए थे भाई थोड़ी, मैंने कहा अटैक थोड़ा अपना तेज करें क्योंकि आज मैंने अटैक वाली ट्रेनिंग की है। अटैक मेरा 77 रेटिंग पे था, कोशिश करेंगे उसको भी जरा थोड़ा 90s के करीब लाएं यार। ओ बॉल अच्छी, एक रन मिला एक और टूवर्ड्स शॉर्ट लेग ही कहूँगा इसको, क्या कहूँगा इसको, पता नहीं क्या पोजीशन है यार। बहरहाल वन आ गया, शॉर्ट लेग तो नहीं था, शॉर्ट लेग तो बिल्कुल होता जो स्पिनर की बॉल पर साथ खड़ा होता है। एच लग गया, ओ ब्रो ओ ब्रो, एक ओवर 4 रन्स बगैर किसी नुकसान के सिडनी थंडर्स प्रेस्ट विज आए दूसरे एंड से बॉलिंग करने के लिए और LPW कर गया, एलेक्स हेल्स का बड़ा विकेट ले गया भाई। हमने प्रेशर डाला है, प्रेस्ट विज को अटैक करना चाहा उन्होंने और वो हमारा शहजादा उसी देर में विकेट ले गया। ये होती है बात टीम वर्क भाई। बाउंसर करो फिर आउट स्विंगर बाउंसर। ओए गाइस एक सीन हुआ है, मैंने फील्डिंग ही चेंज नहीं की यार, पहला पूरा ओवर मैंने इसी फील्ड से कर दिया यार। कभी कभार मैं भूल जाता हूँ भाई, टॉप एच पे 6 हो सकता है वैसे, पेस जितनी है ना। Oh, it gone all the way for 6. Boundaries तुम लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया है, बट भाई शीयर पेस आपके भाई की है कि टॉप एच पी कैरी करवा गया पूरा बाउंड्री लाइन के पार 6 रन्स के लिए भाई। 90 मीटर्स बाय द वे इस बॉल ने ट्रेवल किया है यार। तो बॉयज फील्डिंग हो गई है, चेंज हमारी, अभी तक विकेट नहीं मिला, विकेट लेस रहे हैं और फेंटा ही पड़ा है थोड़ा सा हमें। लेट्स गो भाई विद अ क्रैकिंग डिलीवरी, ओवर अच्छी खेला बट नो रन, पॉइंट पे स्टॉप। Guys, I need some wickets भाई, और उसके लिए मुझे तेज गेंद करना पड़ेगा आगे, मैं उससे भी नहीं रुक पाऊंगा। और ये गया नहीं, 4 रन ना हो जाए, सीधा फिल्टर के हाथ में, नाइस। काफी मजेदार किस्म की किट्स हैं यार बिग बैश में, काफी अच्छे कलरफुल किट्स देखने को मिलती हैं यहाँ पे। कैच इज अ कॉल, इज गॉन भाई, यू कैन नॉट पुल मी भाई, इतनी पेस
जब तेज हो और इतना बाउंस मिल रहा हो आपको, और इस बार तो मैंने जगह ही नहीं दी बिल्कुल भी उसको, बहुत लेवल का बॉल किया, फंसाया उसको मैंने बिल्कुल। बॉल नहीं था ये वाला, पुल वाला बॉल था ही नहीं, ये सीधा खेलने वाला गेंद था, लेकिन क्या कैच पकड़ा है यहाँ पे मार्नस लेबुशेन ने, रेड कैच जानी, 13 रन पे मैट गाइल्स आउट हो गए। अभी मैं गाइक्स पढ़ रहा था, गाइल्स है ये कोई। जेसन संघा आ जाओ, संघा जी जरा इनकी एक बार बैटिंग ऑर्डर देखें कौन कौन है। संघा दो है मेरे हाल में, अच्छा वो संधु है नीचे, जमान खान है, तनवीर संघा भी है ना, देखा दो संघे हैं इनकी टीम में। ओके ठीक है जी, डैनियल सैम्स है नीचे, क्रिस ग्रीन बैटिंग शैटिंग कर लेगा आई थिंक वो, या शायद वो बॉलर है पता नहीं इसके बारे में, ये तो पता चलेगा जब ये बॉलिंग करने आएंगे भाई। फाइन लेग पे एक सिंगल आ गई, ओए दो आ गए, पकड़ पकड़ मार 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 जानी यार, ये चीज़ सही होनी चाहिए गेम के अंदर भाई। हेयर वी गो जी, ओ डंडे उड़ने का टाइम आ गया इसके, ओ प्लेड वेल लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद इस दफा। 3 ओवर्स का खेल तमाम, 23-2 सिडनी थंडर्स, दोनों ओपनर उनके पवेलियन जा चुके हैं इस वक्त। 28-2 जी, 4 ओवर्स का खेल तमाम और साथ ही पावर प्ले खुल गया, तो हम फील्डिंग सबसे पहले खोलेंगे अपनी, ठीक है। 4 ओवर्स का पावर प्ले होता है भाई बिग बैश में, और फिर अगला 2 ओवर का पावर प्ले आफ्टर 10 ओवर आप ले सकते हो। लो जी फील्डिंग बड़ी प्यारी खोल दी हमने, ऑफ साइड पे भी हमने प्लेयर ले लिया अपना, एक सामने निकाल लिए, दो मिड, एक मिड विकेट है, एक लेग साइड पे खड़ा हुआ फुल फाइन लेग टाइप में, और सिंगल खेल दी इसने एक्स्ट्रा कवर की तरफ। आई थिंक ये आउट हो सकता है इस बॉल पे, ओए नहीं 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 नहीं, नाइस बॉल, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा इस डिलीवरी पे, मैं जंप आइडियल करूंगा और मैं रिलीज गंदी करूंगा थोड़ी, देखते हैं क्या बनता है। ये चेक करो गाइस, जंप आइडियल, रिलीज गुड, ओके, ओ नाइस पंच, टैप एंड रन भाई, अच्छी चीज की है। 34-2 है, पार्टनरशिप बिल्ड करना चाह रहा है इस वक्त सिडनी थंडर्स, उनको पता है कि इनके तेज बॉलर्स के सामने हमारी कुछ नहीं चलने वाली। आउट स्विंग निकालने लगा आपका भाई यहाँ पे, बॉल अच्छी, एक और गया, ओ यस दैट्स अनदर विकेट भाई, सेम जगह पे दो आउट किए इस दफा तो हमने भाई, दैट इज ब्रिलियंट, क्या बात है सिडनी थंडर्स हम लोगों की यार। ओ मतलब कि ब्रिस्बेन हीट की और सिडनी थंडर्स को एक और झटका, हैचर चले गए जी, लियाम हैचर इज गॉन, ओलिवर डेविस कम्स इन भाई, राइट हैंड बैट है, ओके डेविस, तो यॉर्कर पे बोल्ड बनता है अभी तक, है ना, अभी तक मेरे ख्याल में यॉर्कर पे मैंने बोल्ड नहीं किया बीबीएल में, तो ये पहला बंदा, ओए और कहां से बैठा है इसका भाई, दैट वाज अ टो क्रशर यार, पूरा टो पे आ रहा था ये बॉल। लास्ट बॉल मेरे 3rd ओवर की पुल, लेकिन थोड़ा सा वाइड इस दफा, ये चीज भाई, यही स्ट्रेटजी थी पुल की, लेकिन थोड़ा सा बाहर की, मैंने चेज करने गया उसका, बड़ा एच लगा और कीपर ने एक और जबरदस्त कैच पकड़ लिया भाई। व्हाट अ टर्न अराउंड, सिडनी थंडर्स जैसी सुपर डुपर टीम को भी हमने यहाँ पे नचाया हुआ है, व्हाट अ कैच भाई, एनक लगाइए, क्या स्वैग है लड़के का अपना यार, इसके कीपर का मेरे कमाल हो गया भाई। गाइस डेविस गया भाई यहाँ पे अंडे पे, बिलिंग्स का खूबसूरत कैच, संगा और रॉस इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, 6 ओवर 37/4 मेरा ख्याल है, जितना हमने इनको पकड़ा हुआ है ना, आई थिंक मुझे और ओवर कर देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भाई इनको फुल प्रेशर में रखा हुआ है। मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे विद अ लेग कटर, मैंने अभी तक नहीं किया ये गेंद, और ये ओवर है, मुझे एक आधा विकेट और मिल गया तो काम हो जाना है हमारे यहाँ पे। अच्छे से खेला, ध्यान से खेला, डर के खेला, और मुझे अच्छा लगा। बॉयस तेज यॉर्कर है, जंप अर्ली है बट रिलीज बहुत लेवल का किया मैंने, आइडियल किया, कोई नहीं ठीक है, 1 रन के लिए 3 for 14 इस वक्त। मैं और थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज आ रहा हूँ, तेजी से अंदर लाऊंगा गेंद इस दफा, चल भी लड़के, वन मोर, वी नीड वन मोर, और हवा में नहीं खेला वरना पक्का आउट था। 148 किलोमीटर दिस टाइम, ओ लास्ट बॉल पे ये क्या सीन किया, अभी ओवर थ्रो वाला काम खराब है यार दोस्तों, पकड़ ले भाई अब तू, थैंक यू, अगेन वाइड ऑफ द क्रीज, और इस दफा हिट द डेक हार्ड करूंगा, थोड़ा बाहर निकालूंगा और गेंद को, ये देखो, ओए यार व्हाट अ बॉल भाई, 149 किलोमीटर मुसलसल भाई, 4th ओवर कर रहा हूँ अपना, 2 बन गया, पुअर फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, लेट आया यार। बॉयज इट्स टाइम फॉर 2 तेज किस्म के इन स्विंगर करने का, एक इन स्विंगर एक ऑफ कटर, लेट्स गो, ओ प्लेड इट वेल, मैनेज्ड इट वेल, लास्ट बॉल मेरे स्पेल का, 3 for 19, एक ओवर मिल जाए तो मजा आ जाए, बट प्लेड इट वेरी वेरी फाइन, 4 भी हो सकता है यहाँ पे, बट फील्डर भाग रहा है, बाउंड्री लंबी है, अच्छे से टाइम नहीं कर पाया, 2 रन के साथ 4 ओवर 21/3 मैंने अपना स्पेल खत्म किया, और व्हाट अ फाइन स्पेल, 44/4 इस वक्त है जी सिडनी थंडर 7 ओवर्स के अंदर। गेम अपने हाथ में दोस्तों, निकलवाना देना, इतना खासा स्कोर नहीं आई थिंक आज कम स्कोर है भाई, आई थिंक 139 तक किया इन लोगों ने भाई, आ गया 47 के एवरेज लिए, 155 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी, 34 50s, 136 करना है सिर्फ, जल्दी से स्कोर कार्ड देख लें और किसने परफॉर्म किया विकेट्स में। बार्टलेट ले गया अभी 2 विकेट्स, एक मिला प्रेस्टविच को, वॉल्टर कुनमैन को मिला एक, 2 ले गया जॉनसन, सब ने ही कॉन्ट्रीब्यूट किया टीम के लिए, और जबरदस्त, सिर्फ सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है लास्ट में संधु ने किया भाई 38, ओके संधु जी, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल देने में कामयाब हुआ संधु अपनी टीम सिडनी को। फर्स्ट बॉल
जमान खान को फेस कर रहे हैं। ओ ब्रो स्लिंगी जमान खान, मुझे लगा सीधा के बॉल आएगा बट पढ़ के बॉल बाहर को निकला है विद द एंकल यार, और बच गया हूँ मैं, सीरियसली बच गया हूँ आज, एज लग सकता था मेरा। जमान खान अटैक करूंगा मैं आप पे पक्का। ये लो जी हेयर गोज मी, बहुत बचाऊ बाल बाल, शुक्र करो डायरेक्शन मैंने काफी अच्छी दे दी थी, गैप में था वरना पक्का कैच था अपना। गाइस मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही यार कि मैंने अपने चार ओवर साथ में आठवें ओवर तक खत्म कर लिए थे, आठवें ओवर तक, बट फिर भी यार मेरी एनर्जी बार क्यों नहीं फुल रही अभी तक मीटर मेरा, हालांकि इसको फुल होना चाहिए था मेरी बार को, कितनी देर रेस्ट भी तो किया यार। ये समझ नहीं, मुझे तीन रन बारह आ जाएंगे यहाँ पे इजीली, सात रन के साथ लड़का तीन गेंदों पे, गुड स्टार्ट फॉर ब्रिस्बेन हीट। देखते हैं आज मैट रेनशॉ कैसा खेलता है हमारे साथ, ही इज गॉन भाई। ओपनिंग जोड़ी पे ना पता नहीं क्या चीज है, देखो अंडे पे चला गया यार, गोल्डन डक पे जमान खान का शिकार हुआ है। आजा बेटा जमान खान, ये तो शॉट है भाई, ये तो लेवल शॉट है। लास्ट बॉल पे सिंगल कीप्स द स्ट्राइक, मानस लेबुशेन और मैं पार्टनरशिप अब लगाएंगे बड़ी सी, एक ओवर नो रन्स एक आउट। बट मेरा ख्याल है, मेरा दिल कर रहा है सीरियसली गाइस कि मैं तेज खेलूं। संधू आ गया, हाइट अच्छी है संधू को, बाउंस थोड़ा मिलेगा यहाँ पे, थोड़ा बिल्ड भी अच्छा होगा भाई। ओ ब्रो बॉल में पेस नहीं है बट बॉल में बाउंस है भाई, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है संधू का, मसल काफ़ी अच्छे हैं इसके ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन बॉल इतना पेस ही नहीं है इसका, या इसने खुद स्लो किया है, ये तो टाइम विल टेल। बट टाइमिंग यह अच्छी थी, बट सीधा हाथ में नहीं यार, 130-135 वाला बॉलर है ये। तो संधू जी आपको फिर करते हैं अटैक हम। ओ दैट्स द वाइड डिलीवरी भाई, सर के ऊपर से 10 रन हो गए हमारे हीट के। गाइस इतनी बड़ी टीम को ना आपके भाई ने, आपके भाई ने पकड़ लिया था बॉलिंग में, लेकिन वो भी मुझे पकड़ने लगे थे, बट लकी रहे हैं यहाँ पे, चार रन आ गए हमें, अच्छा स्टार्ट हो रहा है अभी तक तो, सब कुछ हमारे हाथ में जा रहा है, सिर्फ एक विकेट गिर गया उसका मुझे अफसोस हो रहा है। मंदरों को मैंने स्पेशल निकाला था आज, एक सब्सक्राइबर भाई ने भी कहा था कि ब्रो मैट रेनशॉ ओपनिंग करता होता है, मैंने कहा हाँ डन है यार ओके करो, तो वही किया बट क्लिक नहीं कर पाया बेचारा। देखते हैं अगले मैचेस में क्या होता है यार। 15-1 है ब्रिस्बेन हीट, दो ओवर्स का खेल तमाम हो गया है और जमान खान वंस अगेन इनटू द अटैक, और भाई तैयार था बैकफुट से बहुत बड़ा हिट, इस मैच का सबसे बड़ा छक्का आई थिंक मेरे बल्ले से आ गया है। और देखो लड़के ने कोई खासा एटीट्यूड भी शो नहीं किया, बड़ा सुकून से खड़ा हुआ है, चिल ओके कि ये तो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है यार। तेरा 127 मीटर्स का छक्का, पहली बॉल पे जमान को छक्का दे दिया है, आई थिंक मुझे ओवर मारना चाहिए, जितनी लग रही है ना मारो जानी। सुपर बॉल विद द एंगल ही खेल गया, 6 रन एक ओवर, एक्स्ट्रा कवर पर दिस टाइम, बड़ी बाउंड्री बड़ा छक्का एक ओवर, दो पे दो छक्के, कितने मीटर का था भाई 97 मीटर्स भाई, बाउंड्री के पास गिरी है, इससे पता चलता है कितना बड़ा ग्राउंड है ये गैबा। इस गोज फॉर इट अगेन, आई थिंक आई एम गॉन 27-2 यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट। ओ नो जमान खान ले गया हमें भाई, विकेट गंवा बैठे भाई, 25 रन पे 11 गेंदों पे, सोचा था कि तेज 50 करूं बट वो नहीं हो पाया, बस प्लीज़ मैच जीत जाना, कोई काम ख़राब ना करवा देना भाई। मैक्स ब्रायंट आए हैं भाई, प्लीज़ लबुशेन खड़ा हुआ है, उम्मीद है मैच जितवा देगा। 144-6 फाइनली वी हैव वन दिस गेम भाई, ब्रिस्बेन हीट अच्छी जा रही है, मैन ऑफ द मैच आपको भाई को मिला है क्योंकि हमने विकेट्स उड़ाए थे, मिडल ऑर्डर टॉप ऑर्डर उड़ाया था हमने ऊपर से, और मैच बना के दिया था अपनी टीम को। इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है, अभी आज इंटरव्यू दे देते हैं। दिस वॉज अ गुड विन एंड वेल अर्न, ओके वी आर रियली फोकस्ड ऑन आवर बॉलिंग, हम बहुत फोकस है ऑन बॉलिंग, दैट वाज अ स्ट्रैपी विन, ठीक है ओके यार सही गया, थैंक यू, ओके हो गया, अच्छी जीत मिली है हमें फाइनली 144-6। आज उम्मीद है थोड़ा हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ होगा, हमारा सॉरी नेट रन रेट बेहतर हुआ होगा। देखो गाइस 134 पे आ गया ना लास्ट में, किसी ने छक्का मारा है, पॉल वॉल्टर ने आई थिंक मारा है, कमाल किया, देखो 140 पे पहुंचाया सीधा उसने, छक्के से उसने विन दिलवाई है हमें, उसने कहा भाई इन स्टाइल फिनिश करो अगेंस्ट सिडनी थंडर्स। और सीन्स ये हैं कि जी सैम बेलिंग्स अंडे पे गए थे यहाँ पे मिडल ऑर्डर में, लबुशेन ने 17 किया था, ब्रायंट कर गया था 41, ब्राइस स्ट्रीट को आज मैंने खिलाया था उसने 28 रन की इनिंग्स खेली, नीचे से पॉल वॉल्टर और स्पेंसर जॉनसन ने मैच को फिनिश किया, देखो एक बॉल पर छक्का मारा जॉनसन ने आके, व्हाट अ विन, जाके जल्दी से देखते हैं पॉइंट्स टेबल। तो जी हियर आर द पॉइंट्स टेबल, 4 मैचेस में 3 विन्स के साथ हम है नंबर 1 पे इस पॉइंट्स टेबल में, नेट रन रेट हमारा बेहतर हो गया 0.61 का हो गया है, सिडनी थंडर्स दूसरे नंबर पे आ गई और क्या जबरदस्त चीज हो गई भाई, टॉप ऑफ द टेबल हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे बिग बैश लीग के अंदर। नेक्स्ट गेम हमारा बीबीएल में है गाइस अगेंस्ट मेलबर्न रेनेगेड्स, लेकिन कल जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला वो आएगी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच नंबर 2 के डे 2 और डे 3 की कंबाइन होगी, क्योंकि डे 2 अभी हमारा ऑलमोस्ट लंच तक हुआ है और हम बहुत कमांडिंग पोजीशन में उस मैच में, वो भी लास्ट में देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इस वाली को अटेंडेंस मार्क करो अपनी,
कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सिटी का नाम मेंशन करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।